तो चलिए दोस्तों, एक ही स्लाइस में हमें इसे कट करना है। दिस 3, 2, 1 गो। लीजिए दोस्तों, हमारा ये कट हो गया। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है दोस्तों अनंत शर्मा क्राफ्ट्स में। आज हम नए वीडियो में आज हम बनाने वाले हैं हमारा थॉम स्टॉर्म बेकर। हमें वीडियो बनाए बहुत दिन हो गया दोस्तों, तो तैयार हो जाए, आपको नए तरह के अंदाज में वीडियो मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बनाया जाए। तो हमारे स्टॉर्म बेकर को बनाने के लिए पहले हम उसके पीछे वाले पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। उसके लिए पहले हम लेंगे एक इरेजर, फिर इस पे हम उसे शेप देने के लिए कुछ ये पैटर्न ड्रॉ करने वाले हैं, फिर हम इसे कट लगाने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यार, हमने इसे जैसा ड्रॉ किया था वैसे हमने कट किया है, और इसमें हमने ये मार्कर से पहले इसे पूरी तरह कलर कर दिया है, और इसे बहुत डार्क फिनिश आया है दोस्तों। तो अब टाइम है हमारे आगे के उसके पार्ट बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसे हम सूखने देते हैं और तब तक के लिए आगे बनाते हैं। तो दोस्तों, हमारे आगे की पोर्शन को बनाने के लिए पहले मैंने यहाँ दूसरे इरेज़र पे ये पैटर्न बनाया है, और इसे हम इसी तरह में कट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे कट कर देते हैं। ये भाई देख लो यार, क्या कमाल लग रहा है। पहले हमने वो जो शेप ड्रॉ किया था वो हमने कट किया है, और इसे आगे से थोड़ा दोनों तरफ से कट लगाया है। अब जो ये रफ जो अवेलेबल है इस पर, ये हम सैंड पेपर से इसे रफ कर कर हटा देंगे दोस्तों। तो हमारा आगे का पार्ट भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसे करते हैं यार। ये लीजिए दोस्तों, देखिए क्या कमाल का लग रहा है। इसे हमने पहले स्क्रब कर दिया है, तो अब ये बहुत ही स्मूथ हो गया है, और ये बहुत ही स्टाइलिश लग रहा है। और ये हमारा ऊपर के बॉडी का फुल पार्ट ये रहा। बेसिक मैं कहूँ तो दोस्तों, हमने इसका बॉडी कंप्लीट कर दिया है। इसे अब हम कलर करने वाले हैं, और थोड़े अलग डिज़ाइंस और पैटर्न्स बनाएंगे, जो कि इसे बहुत ही कूल बनाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बनाया जाए। अरे ज़रा सब्र करो यार, वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे ज़रूर दबाओ, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलना। अब मुझे पता नहीं यार तुम इसे कैसे करने वाले हो, बस हो जाना चाहिए। चलो वीडियो नहीं देखना क्या? तो भाई यार, जैसा कि तुम जानते हो यार, हमारा पीछे का ये पोर्शन हमने इसे कलर कर दिया था, और इसे हम पैटर्न इस पर अलग देने के लिए हम ये पॉप्सिकल को यहाँ जिस पैटर्न में इसे कट किया था, उस पैटर्न में इसे यहाँ दूसरा साइड और तीसरा साइड, ये हम दो तरफ ये वर्क हम करने वाले हैं। और हमारा जो आगे का इसका पोर्शन है, इसमें हम बस एक ही काम करेंगे, हमारी पॉप्सिकल से बिल्कुल सेंटर में आगे और पीछे ये पैटर्न हम पेस्ट करेंगे इससे कट करके। तो चलिए ये कर देते हैं। तो दोस्तों देखो यार, क्या कमाल लग रहा है हमारा थॉर स्टॉर्म बेकर। ये सारी तरह से बहुत ही कूल लग रहा है, और जो हमने इसके ये जो टूथ पिक से फिनिशिंग दिया था ऊपर का, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हमारे इसके नीचे के लिए मैंने यहाँ क्विलिंग पेपर लूँगा, और इसे भी हम कुछ क्विलिंग पेपर को भी रोल करेंगे ऐसे पूरी तरह 360 में हम इसे रोटेट कर देंगे, तो ये कुछ बन जाएगा इस तरह। और इसे हम हमारे जो नीचे का हैंडल है, इसे हम इस पर पूरी तरह वुंड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये हम इस पर वुंड कर देते हैं। तो भाइयों, हमारा थॉर का स्टॉर्म बेकर बहुत ही कमाल का लग रहा है। ये मिनी है, और ये बहुत ही ओपी लग रहा है यार। पर मैं इसे बस दिखाने नहीं वाला हूँ, मैं इसे कुछ काटने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए इसे कुछ काटा जाए। तो चलिए दोस्तों, एक ही स्लाइस में हमें इसे कट करना है। दिस 3, 2, 1 गो। लीजिए दोस्तों, हमारा ये कट हो गया।